वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और COVID-19 का जो टाइम चल रहा है तो डेफिनेटली सब घरों में ही होंगे, राइट? सो मैं सुप्रिया टीचर आपको साइंस पढ़ाने वाली हूँ। पहले भी बहुत बार मिल चुके हैं, क्लास 9 है ये। और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है मेजरमेंट ऑफ मैटर, दैट इज द्रव्य का मापन, राइट? चैप्टर नंबर 4, द्रव्य का मापन। बच्चों, इसमें जो है पहले भी हम हाफ पोर्शन कर चुके हैं, उसमें जो है हमने परमाणु का द्रव्यमान ये सब देखा था। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है मोल की संकल्पना और एवोगाड्रो संख्या। तो ये जो मोल की संकल्पना है, इसको जानने से पहले हमको जो बेसिक चीजें है वो क्लियर होनी चाहिए। अब बेसिक चीजें क्या है, देखो बेसिक चीजें जैसे कि सबसे तो परमाणु किसे कहते हैं, फिर दूसरा परमाणु का द्रव्यमान क्या है, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है अणु द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। तो परमाणु और परमाणु का द्रव्यमान जो है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। जस्ट एक रिवाइज करूंगी आपको ताकि आपको फिर से क्लियर हो जाए, ठीक है? अब परमाणु जो है वो कब से स्टार्ट होता है, द्रव्य से स्टार्ट होता है। द्रव्य में हमने देखा था कि द्रव्य किसे कहते हैं, तो जो भी वस्तु है या जो भी चीज है दिखाई दे रही है चाहे नहीं दिखाई दे रही है, बराबर, लेकिन अगर वो स्थान घेरती है और अगर उसमें द्रव्यमान है तो वो द्रव्य हो गया या पदार्थ हो गया। फिर हमने उसका वर्गीकरण देखा था, ठीक है, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। तो उसमें जब हमको पता चला कि द्रव्य जो है उसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो है परमाणु, उससे ज्यादा उसको डिवाइड किया नहीं जा सकता, राइट? तो परमाणु है, उसको एनालाइज किया, परमाणु को एनालाइज किया हमने, तो हमको क्या मिला उसमें, जब परमाणु को एनालाइज किया हमने तो हमको उसमें मिला कि परमाणु के बीचों बीच नाभिक होता है, नाभिक के बाहर भाग घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं, और उसके नाभिक के अंदर जो होते हैं वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, न्यूट्रॉन्स जो है वो जो अनावेशित चार्ज है। परमाणु का आयतन उसकी त्रिज्या द्वारा निश्चित होता है, और जो परमाणु के नाभिक और बाहरी कक्षा के बीच की जो दूरी है वो परमाणु की त्रिज्या है और नैनोमीटर में व्यक्त की जाती है, ठीक है? अब जो है परमाणु का द्रव्यमान, तो जैसे कि हम जानते हैं, अगर इस पिक्चर से आपको पूरा डायग्राम क्लियर होगा, देखो ये रहा परमाणु का डायग्राम जो हम पहले भी देख चुके हैं। अब जैसे कि ये है बेसिक अंदर का जो है नाभिक, क्लियर है? अब इस नाभिक में ये जो आपको प्लस दिख रहा है ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हो गए, और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो अनावेशित न्यूट्रॉन्स हो गए, न्यूट्रल, राइट? तो ये हो गए नाभिक के अंदर। जैसा कि हम जानते हैं कि परमाणु का द्रव्यमान यानी कि परमाणु का जो भार है, ठीक है, ये जो है इस पे डिपेंडेंट करता है, परमाणु की इसी दो आइडेंटिटी पे डिपेंडेंट करता है। प्रीति पांडे, भूख लग रही है बेटा? बहुत भूख लग रही है, हम लोग को भी भूख लगी है ना प्रीति? वेरी गुड, स्माइलिंग, ओके फाइन। और ये जो बाहर है, बाहर कक्षाएं हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा घूमते रहते हैं। और एक डायग्राम से आपको और क्लियर होगा, यहाँ पे देखो अंदर जो है नाभिक प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, जिनकी वजह से, जिनका योग हम कर दे, हमको मिल जाएगा परमाणु द्रव्यमान। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से समझना। परमाणु का द्रव्यमान यानी कि वजन कहाँ पे निर्भर करता है, तो ये है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, जिसे न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, और उसी पे परमाणु का द्रव्यमान। दो डिफरेंट चीजें हम समझने वाले हैं, परमाणु का द्रव्यमान और अणु द्रव्यमान। आई होप आपको क्लियर हुआ। आप देखेंगे अब अणु द्रव्यमान क्या है या इसको कैसे हम
मेजर करेंगे, आप देखो अणु द्रव्यमान, सबसे पहले तो जो है इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि अणु द्रव्यमान है क्या। अब जैसे कि हमको पता है कि परमाणु जो है वो सबसे छोटी इकाई है, तो अणु जो है वो परमाणु से बड़ा हो गया डेफिनेटली। तो अब अणु का द्रव्यमान हम कैसे पता कर रहे हैं, तो किसी भी पदार्थ अभी आपको बताया द्रव्य, द्रव्य क्या है दे चाहे ना दिखा दे, अगर मान रहा है इसमें द्रव्यमान है तो वो क्या है, पदार्थ है, द्रव्य है। तो ये जो द्रव्य है, अणु द्रव्यमान क्या है, कैसे निकाला जाता है, तो जो भी अणु है उसके अंदर जितने भी परमाणु हैं उन परमाणु का द्रव्य, बहुत सारे परमाणु होंगे बराबर है, तो उन परमाणुओं का जितना जितना भार है, समझो एक अणु है, एक जैसे समझो एक कमरे है, मुझे उस रूम का वजन निकालना है, तो वजन कैसे डिपेंडेंट होगा, उन दोनों बच्चों का वजन जो है उसको जोड़ दिया, तो समझो मुझे टोटल वजन मिल गया बराबर। तो ये कुछ ऐसा है अणु द्रव्यमान करते है, उसे एक अणु में उपस्थित जितने भी परमाणु हैं उनके द्रव्यमान को अगर आप जोड़ देते हो, उसका योगफल करते हो, तो आपको अणु द्रव्यमान मिलेगा। तो आई होप आपको दोनों में फर्क समझा है, क्योंकि यही चीज आपको पहले समझनी है अगर आपको मोल समझना है कि मोल क्या है। उसके लिए परमाणु द्रव्यमान क्लियर हुआ, फिर से बता रही हूँ, परमाणु द्रव्यमान का मतलब है कि जो परमाणु है उसके नाभिक में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, अगर मैंने उनको जोड़ा, उनका योगफल किया, तो हमको परमाणु द्रव्यमान क्लियर हुआ। ठीक है, अब अणु द्रव्यमान मतलब क्या, एक अणु में जितने भी परमाणु हैं उन सबके द्रव्यमानों को अगर मैं जोड़ रही हूँ तो वो अणु द्रव्यमान है। तो ये अभी हमने डेफिनेशन देखा, अब हम इसको और प्रैक्टिकली जब देखेंगे तो आपको और प्रैक्टिकली आइडिया क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पर है कि परमाणु द्रव्यमान जो है कैसे निकाला गया है, अणु द्रव्यमान सॉरी, देखो यहाँ पे कैसे निकाला है। तो अब अणु द्रव्यमान आप जान गए हो कि अणु द्रव्यमान का अर्थ है कि उसके एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योगफल। और ये जो परमाणु द्रव्यमान है और ये जो अणु द्रव्यमान है, इसकी जो इकाई है इसको कैसे मापा जाता है, कैसे मेजर किया जाता है, तो उसकी इकाई जो है डाल्टन है। जैसे कि आप एक किलो एक जैसे आप समझ लो आप मार्केट में गए हो, तो वहां पे अगर आप तेल खरीद रहे हो तो उसकी इकाई क्या है, किलोग्राम बराबर है। अगर आप मिल्क लेने जा रहे हो, मिल्क खरीद रहे हो, तो उसकी इकाई क्या है, लीटर्स में है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हो तो आप उसको कैसे बोलते हो, मीटर में या किलोमीटर में। तो बिल्कुल वैसे ही परमाणु का द्रव्यमान और अणु का द्रव्यमान को मेजर करने की जो इकाई है वो हो गई किसमें, डाल्टन में व्यक्त की जाती है। अब जो मैंने आपको बताया कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि अणु द्रव्यमान निकालेंगे कैसे, ठीक है, थियोरी को बहुत इजी लगा, अब जब हम प्रैक्टिकली करने जाएंगे तो और भी इजी लगेगा। तो सबसे पहले हम वो उस चीज का पर अणु द्रव्यमान निकालते हैं जो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जैसे कि वाटर। अगर पानी नहीं है तो लाइफ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं पानी को। अब आप मुझे बताओ वाटर जो है, वाटर उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, H2O। ये H2O सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, किसी भी चीज का संकेत चिन्ह केमिकल फॉर्मूला आपको डेफिनेटली मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो वाटर जैसे कि पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इट इज केमिकल फॉर्मूला इज H2O। अब इस दो घटक आपको दिखा रहे, पहला जो है हाइड्रोजन मींस हाइड्रोजन, दूसरा जो है O ऑक्सीजन। तो H2 इसको समझना है सबसे पहले, उसके बाद अब H जो है उसके कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, कितने कितने परमाणु है इसके अंदर, दो है, ठीक है, और O कितना है, सिंगल है, ठीक है। तो ये अणु हो गया H2O का, H2O यौगिक है। अब इसके घटक कौन कौन, तो पहला है हाइड्रोजन और इसके अंदर जो परमाणु है वो जो उसका द्रव्यमान है 1, और इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 2। क्यों, क्योंकि देखो H2 है,
यानी कि इसके दो परमाणु हैं। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 और इसमें अणुओं की संख्या, इस अणु में परमाणु की संख्या कितनी, सिर्फ एक है। देखो वो अकेला है और हाइड्रोजन जो है वो डबल है। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ये दो है तो हमको करना क्या है, परमाणु द्रव्यमान जो भी है सिंगल वन, उसमें उसकी परमाणु की जो संख्या है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 2 तो इस घटक का जो वजन हो गया या द्रव्यमान जो हो गया, द्रव्यमान मतलब वजन है ठीक है, तो ये 2 हो गया। ऑक्सीजन जो 16 हो गया। अब ये जो परमाणु द्रव्यमान है ये मुझे कहाँ से मिल रहा है, तो आई होप आपको पता है कि हमारे पास बहुत अच्छा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मैं आपको दिखाती हूँ पहले इसको। ओके फाइन, मैं आपको दिखाती हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आप चेक करो उससे आप सभी का। ये देखो ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, टोटल इतने सारे अपने पास एलिमेंट्स हैं। तब कर रहे थे H2O की। अब आप बोलोगे परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक कहाँ से पता हो रहा है, तो जैसे हमने लिया H, ये H आपको दिख रहा है, इसमें जो राइट साइड में है, सॉरी लेफ्ट साइड में जो लिखा है वो उसका परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि प्रोटॉन्स की संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। और ये जो नीचे 1.01 है ये क्या है, प्रोटॉन्स की संख्या प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या। परमाणु द्रव्यमान मैंने आपको अभी बताया कि परमाणु द्रव्यमान, तो ये जो भी नीचे लिखा हुआ है ये सबका परमाणु द्रव्यमान है। तो आपने अभी पहले वाली स्लाइड में हमने देखा कि एक सेकेंड, मुझे पहले वाली स्लाइड दिखाना है आपको। यस, हमने परमाणु द्रव्यमान कहाँ से निकाला, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। तो ये 1 है और ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का भी मैं आपको देती हूँ, ये रहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ऑक्सीजन आपको पता होना चाहिए इमीडिएटली, ये देखिए ऑक्सीजन O जिसका परमाणु क्रमांक है 8 और इसका परमाणु द्रव्यमान अंक है 16, तो यहाँ से लिया मैंने। अब जो है नेक्स्ट वापस देखो, तो अब जो है अणु द्रव्यमान कैसे निकाला हमने, घटक परमाणु द्रव्यमानों का योगफल। तो H जो है हो गया 1 × 2 यानी कि 2, ये रहा, और O का परमाणु द्रव्यमानांक जो है 16 कितने हो गए अणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान 18, यानी कि पानी का जो एक अणु है उसका अणु द्रव्यमान कितना हो गया, 18 हो गया। तो इस तरह हमने क्या किया है बच्चों, हमने निकाला है अणु द्रव्यमान। इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम जो मोल पढ़ना चाहते हैं, मोल का कंसेप्ट जो पढ़ना चाहते हैं, उसमें परमाणु द्रव्यमान और अणु द्रव्यमान है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अब जैसे और हैं या अणु है, यौगिक है जिनका हम अणु द्रव्यमान करेंगे, जैसे कि सबसे पहले लेते हैं NaCl। आप देख सकते हो यहाँ पे NaCl है। अब NaCl का अगर आप अणु द्रव्यमान निकालना है, तो अब तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि Na एक अणु मॉलिक्यूल और Cl हो गया ठीक है। Na का और Cl का क्या पता होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। जब परमाणु द्रव्यमान पता और उसके बाद जब उसका योगफल करें तो हमको मिलेगा क्या, मिलेगा अणु द्रव्यमान मिलेगा। तो फिर से हम जाते हैं अपने पीरियोडिक टेबल पे। अब Na का है पीरियोडिक टेबल से कम 20 to 25 आपको जो है मुंह जबानी याद होने चाहिए परमाणु क्रमांक। Na आप देखो यहाँ पे परमाणु क्रमांक है 11, यानी क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8, 1, यानी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1, यानी इसकी संयोजकता कितनी है, 1। अब ये हो गया Na, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस Na का जो परमाणु द्रव्यमानांक है कितना है बच्चों, 22.99, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 23 ले सकते हो आप। तो ये हमारा हो गया Na। दूसरा है NaCl, तो आप देखो Cl इमीडिएटली परमाणु क्रमांक जो है एटॉमिक नंबर 17 है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 8, 7, यानी इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7।
यानी कि इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, एक, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स देने से बेटर है ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसी तरह से NaCl जो है फॉर्म हुआ है यहाँ पे। अब Cl का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है, 35.45। ये दोनों ध्यान दिया आपने, अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर देखो परमाणु द्रव्यमान NaCl, Na और परमाणु द्रव्यमान 35.45 पर मोल, दोनों को अब क्या किया है, ऐड किया है, सो दैट हमको क्या मिला है, मोलार मास, यानी कि 58.4427 ये हमको मिला है अणु द्रव्य मान। ठीक है, ये हमने किसका निकाला, HCl का अणु द्रव्य मान निकाला है। नेक्स्ट, और भी बहुत सारे हैं, जैसे हम एक और चेक करते हैं NaOH, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे तो हम इसका निकालेंगे। अब आप बहुत ही क्लियरली, बहुत ही इजी है अणु द्रव्य मान, अब हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर अगर आप चेक करोगे तो हमको तीन चीजें मिल रही है। पहला जो एलिमेंट है वो है Na, दूसरा जो एलिमेंट है वो है O, तीसरा है H। अब इसका परमाणु द्रव्यमान हम चेक करते हैं, कहाँ चेक करेंगे, पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, हम आते हैं वापस से पीरियोडिक टेबल में, ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल, वापस से Na देखो 22.99, फिर क्या था बच्चों, O था, O याने ऑक्सीजन, ये रहा 16, H था, H हमको पता है हाइड्रोजन 1, दैट मींस हमको क्या क्या ऐड करना है, 22.99 Na प्लस O, O दैट इज 16 प्लस दैट इज 1.01। अब देखते हैं कि अगर इन सबको ऐड किया है तो हमको क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे 22.99 प्लस 16.00 प्लस 1.01 दैट इज इक्वल टू, ये NaOH का अणु द्रव्यमान कितना मिला बच्चों, 40.00 ग्राम पर मोल। तो वैसे ही जितने भी एलिमेंट्स हैं आप बहुत इजीली सबका अणु द्रव्यमान निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मोलार मास निकाला है H2SO4 का। अब जैसे H2SO4, अब इसमें कितने कंटेंट हैं अपने पास, एक H है दैट इज हाइड्रोजन, अब आप पहचान गए हो, एक S है दैट इज सल्फर, और एक O है दैट इज ऑक्सीजन। यहाँ पे जो H है उसमें कितने, इस अणु में कितने परमाणु हो गए, 2, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 4, O4 है, और S का जो है वो सिंगल है। तो जो H का परमाणु द्रव्यमानांक 1.01, इसको मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 2 से। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इस अणु में जो है 2 परमाणु है, तो ये हो गया 2.02 ग्राम्स पर मोल। उसके बाद सल्फर 32.07 को प्लस किया, उसके बाद ऑक्सीजन का जो है 16 होता है परमाणु द्रव्यमान, लेकिन इस एक अणु में कितने परमाणु है, 4, तो 16 × 4, तो 2 + 32 + 64 दैट्स इक्वल टू 98.09 ग्राम्स पर मोल। इस तरह से कुछ तो के हमने क्या फाइंड आउट किया बच्चों, हमने फाइंड आउट किए अणु द्रव्यमान। आई होप अब आपको टोटली क्लियर है कि परमाणु द्रव्यमान क्या है और अणु द्रव्यमान क्या है। नेक्स्ट आते हैं हम मोल की संकल्पना पे, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट था मोल क्या है। अब आप ध्यान दो इस पे, जैसे कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, जब हम उनको मेजर करना रहता है तो बहुत ही आसानी से मेजर कर लेते हैं, जैसे कि एक डजन केले होंगे 12, फिर एक डजन एग्स हैं उसमें क्या होगा, 12 एग्स होंगे, एक डजन पेंसिल है तो आप काउंट कर सकते हो इजीली 12 पेंसिल होगी, राइट। तो यहाँ पे अगर एक डजन, डजन अगर बोला जा रहा है, डजन हमीद
हमीद कुछ प्रॉब्लम है? हमीद कोई प्रॉब्लम है? हमीद नेक्स्ट, एक डजन अगर आप बोल रहे हैं तो उसमें कितने यूनिट्स हो जाएंगे? 12 यूनिट्स हो जाएंगे। अगर एक पैर बोल रहे हैं, जैसे कि चाय शूज बोल रहे हैं, तो जोड़ी जोड़ी जो है उस हिसाब में कितने आ जाएंगे? दो, राइट। अगर एक जोड़ी सॉक्स बोल रहे हैं आप, मोजे, तो उसमें कितने हो जाएंगे? दो, तो दो यूनिट्स हो जाएंगे। क्लियर? अब एक डजन 12x, वन डजन बनानास, वन डजन पेंसिल है तो 12 पेंसिल्स। तो उसी तरह से ये जो मोल है, ये मोल इन द सेंस, जैसे वन मोल ऑफ कार्बन एटम्स, उसके अंदर टोटल कितने एटम्स होंगे? दैट इज 6.02 × 10⁻², राइट। से वन मोल ऑफ वाटर अगर बात करूं मैं, तो 6.023 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे वाटर के। अगर मैं वन मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस की बात करूं, तो उसके अंदर 6.02 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। यानी कि ये नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज 6.02 × 10⁻²³ है। वन मोल ऑफ कार्बन एटम है तो उसके अंदर इतने एटम्स हो जाएंगे, वन मोल ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स है के अंदर इतने 6.02 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अगर वन मोल ऑफ वाटर है, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है, वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, चाहे जितना वन मोल का जो वैल्यू, जैसे कि वन डजन का वैल्यू कितना है? 12 यूनिट्स। वन डजन यानी 12 यूनिट्स, वन पेयर यानी टू। उसी तरह से नेक्स्ट, मेरी हेलो सर, आवाज आ रही है ना मेरी? राइट, वन सेकंड। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम लोग। जैसे कि देखो, जैसे मैंने आपको बताया ग्राम्स ऑफ कार्बन, राइट, तो वन मोल में कितने हो गए? ये जो संख्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वन तो आप बहुत सिंपली बोल देते हो कि 12 यूनिट्स होने चाहिए, राइट। उसके बाद वैसे ही चाहे आप कितना 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन बोलो, तो 6.023 अंदर नेक्स्ट जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये काउंटिंग है, मोल जो है वो कोई बहुत बड़ी नहीं, वो जो है परमाणु है या अणु है, उनको सिर्फ काउंट कैसे किया जाता है। जैसे कि आपको डजन कोई बड़ी चीज नहीं लगती है, आपको पता है वन डजन मतलब होता है उसके अंदर कुछ भी आप ऐड करो वो 12 ही होगा, बराबर। जैसे कि वन पेयर ऑफ शूज, तो चार शूज तो आप जानते हो कि 2, 4, 8, 8 शूज आपको मिलेंगे, बराबर। फिर अब जैसे एग्स है, तो डजन है, या पेयर 2 डजन है तो 12। उसी तरह से ये जो मोल है वो भी बहुत सिंपल है, जस्ट ये इससे गिना जा रहा है। तो किसको गिना जा रहा है? क्योंकि क्योंकि अणु और परमाणु जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं गिनने में, तो इसीलिए उनकी जो संख्या है दैट इज 6.022 × 10⁻²³, उसको एक राशि को नाम दिया गया है मोल। अब जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो वन डजन केले, तो आप काउंट कर सकते हो कि ये 12 केले ही होंगे। अब जैसे एक ग्रॉस, तो
इस एक ग्रॉस में फिक्स्ड है कि आपको 144 कॉपियां मिलेंगी। एक ग्रॉस में कितनी कॉपियां मिलेंगी? 144। तो ये जो है इसको आप बहुत इजीली गिन सकते हो। तो ये वन मोल है इसका, जैसे वन मोल नमक है तो उसमें कितने अणु होंगे? तो 6.022 × 10⁻²³ अणु होंगे। ठीक है, अब जैसे वन मोल वाटर है, पानी है, तो उसके कितने अणु होंगे? 6.02 × 10⁻²³ अणु होंगे। आपको क्लियर हुआ मोल का आइडिया? जैसे ये बहुत सिंपल है, आपको कैसे ध्यान देना है, दो यूनिट हो गए, यानी कि वन पेयर या जोड़ी, जोड़ी एक जोड़ी कितने यूनिट हो गए? दो यूनिट हो गए। फिर एक डजन में कितने यूनिट हो गए? 12 यूनिट हो गए। चाहे कुछ भी ले लो, आप बॉल्स ले लो, केले ले लो, या एप्पल्स ले लो, डजन या एग ले लो, डजन दैट मींस 12 यूनिट। वन ग्रॉस कॉपीज यानी कि कितने यूनिट हो गए? आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली लिखा है वन ग्रॉस 144 कॉपिया। बिल्कुल उसी हिसाब से आपको आंख बंद करके याद रखना है वन मोल कितना नंबर हो जाएगा? 6.023 × 10⁻²³ अणु में, अणु परमाणु डिपेंड्स। मोल की संकल्पना आपसे पूछे कि क्या है, तो आपको जो थियरी है वो यहाँ पे क्लियर हुई। अब आपको डेफिनेशन जो है कि मोल किसी पदार्थ की वह राशि है, ये राशि है, इट्स अ मेजरमेंट। मेजरमेंट कैसे मेजर करना है, राइट? तो जैसे कि बाकी चीजें जो केजी, मीटर, सेंटीमीटर, ये सारी चीजें क्या है? मेजर इकाइयां हैं। तो मोल जो है ये भी एक मेजरमेंट की इकाई है। तो मोल किसी पदार्थ की वह राशि होती है जिसका ग्राम में द्रव्यमान, द्रव्यमान में क्या है बच्चों? वजन। ठीक है, तो ग्राम में द्रव्यमान उस पदार्थ के अणु द्रव्यमान, आपको याद होगा मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया अणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, और तीन चार जो मटेरियल्स थे उनका अणु द्रव्यमान भी हमने निकाल के देखा। अब आपको समझ में आया होगा कि मैं इस उतना ज्यादा फोकस क्यों कर रही थी। तो अब आप समझे कि मोल किसी पदार्थ की वह राशि है जिसका ग्राम में द्रव्यमान उस पदार्थ के अणु द्रव्यमान के डाल्टन के बराबर होता है। क्लियर हुआ आपको? जैसे ग्राम में भी हम द्रव्यमान निकालते हैं, अणु द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। तो जैसे अब जैसे ऑक्सीजन का अणु द्रव्यमान जो है, अणु द्रव्यमान 32 हमने पीछे निकाला था, बराबर है? तो 32 ग्राम ऑक्सीजन का अर्थ है एक मोल ऑक्सीजन, यानी एक मोल ऑक्सीजन कितने हैं? 32 ग्राम ऑक्सीजन है। पानी का अणु द्रव्यमान जो है 18 है, तो इस कारण 18 ग्राम पानी का अर्थ एक मोल पानी होता। अब जैसे आपको मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो उसका सिंपल सा सूत्र बच्चों ये आप हमेशा ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पर है यौगिक के एक मोल का अर्थ, एक मोल आप जान गए हो, जैसे एक डजन 12, एक पैर एक जोड़ी 2, बराबर, एक ग्रॉस कितना 144, वैसे ही एक मोल कितना 6.022 × 10⁻²³, 10⁻² बोलो या 10⁻²। तो एक मोल का अर्थ यौगिक के अणु द्रव्यमान के मान के बराबर ग्राम में यौगिक का द्रव्यमान होता है। मोल जो है ये इंटरनेशनल इकाई है, स्टैंडर्ड इकाई है। और का सूत्र कैसे निकालेंगे? अगर हमको पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान पता है, कोई भी पदार्थ ले लो, कोई भी पदार्थ ले लो, अगर ग्राम दिया गया है तो अणु द्रव्यमान तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, बराबर है? अणु द्रव्यमान हमने पिछले स्लाइड में देखा कि हमने अणु द्रव्यमान कैसे निकाला, कैसे निकाला हमने अणु द्रव्यमान, हर एक चीज के अणु, किसी भी
एक अणु है इनके द्रव्यमान का योगफल किया हमने। तो अगर हमें पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान पता है तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं किस से, पदार्थ के अणु द्रव्यमान से। तो जब हम ये करेंगे तो हमको क्या मिलेगी बच्चों, पदार्थ के मोलों की संख्या मिल जाएगी। तो अगर कि का ग्राम में द्रव्यमान आपको पता है कि ग्राम में उसका वजन कितना है, तो आप उसका मोल की संख्या निकाल सकते हो। तो आई होप ये जो मोल की संख्या है ये आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं एवोगैड्रोस नंबर। ये जो एवोगैड्रोस है कुछ डिफरेंट नहीं है, ये जो आप तब से पढ़े जा रहे हो 10^23, ये जो है ये एवोगैड्रोस नंबर है। हम दो फिर यानी जो मोल की संख्या है, कितने मोल की संख्या, एक मोल की। इसको इतना डिफिकल्ट एवोगैड्रो नाम क्यों दिया है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि ये किसने फाइंड आउट किया होगा। ये जो साइंटिस्ट है उनका ही नाम एवोगैड्रो था, उन्होंने इसे फाइंड आउट किया और इसीलिए उनके सम्मान में इस संख्या का नाम जो है एवोगैड्रो संख्या पड़ा। किसी भी पदार्थ के एक मोल राशि में, तो यहाँ पदार्थ के एक मोल राशि में अणुओं संख्या निश्चित होती है, राइट। तो ये जो इटालियन वैज्ञानिक एवोगैड्रो ने इसमें मूलभूत अनुसंधान किए, इसलिए इस संख्या को एवोगैड्रो संख्या के। अब कैपिटल एन और ए इस अक्षर से दर्शाते हैं। आगे वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि एवोगैड्रो संख्या का मान जो है वो 6.022 × 10^23 होता है, जिसका मान क्या है, एक मोल। तो ये जो मोल है, ये जो एवोगैड्रो संख्या है, ये आपस में रिलेटेड है। और अगर आपको मोल जानना है तो आपको क्या जानना जरूरी है, पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान जानना जरूरी है, और क्या जानना जरूरी है, पदार्थ द्रव्यमान जरूरी है। किसी भी पदार्थ के एक मोल में, यहाँ पे देखो आपको दिखाई देगा, किसी भी पदार्थ के किसी भी पदार्थ के एक मोल में उसके 6.022 × 10^23 अणु, ये वैज्ञानिक किया है। तो कौन से वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है, एवोगैड्रो, इटालियन वैज्ञानिक एवोगैड्रो ने ये ढूंढ कर निकाला है कि कोई भी पदार्थ आप ले लो, कोई भी पदार्थ अगर उसका एक मोल का राशि है तो उसमें जो अणु होंगे वो कितने निश्चित हैं, वो 6.022 × 10^23। जैसे कि हमें ये पता है, साइंटिस्ट ने ये ढूंढा है कि एक डजन अगर है, एक डजन जब हम बोलते हैं तो वो यूनिवर्सली फिक्स है। आप कहीं भी जाओ, अगर आप एक डजन एप्पल मांगोगे या एक डजन ऑरेंज मांगोगे या एक डजन पेंसिल मांगोगे, तो आपको कितनी पेंसिल्स दी जाएगी, सिर्फ 12 पेंसिल दी जाएगी। अब आप पूछोगे कि 12 ही क्यों, मुझे 13 चाहिए, तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं, वो जो एक डजन की वैल्यू है वो यूनिवर्सली फिक्स्ड है कि वो 12 ही है। एक पैर जो है तो वो फिक्स है, बिल्कुल उसी तरह से जो किसी भी एक मूल राशि की जो संख्या है वो भी क्या है, फिक्स्ड है। दैट इज क्या फिक्स्ड है, दैट इज 6.022 × 10^23, ठीक है। और ये जो है संख्या जो है ये क्या है, ये एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। अब जैसे एक डजन, जैसे ये सारा मैंने आपको बताया, एक डजन अर्थात एक शतक, हाँ, जैसे आप बोलते हो ना कि वो क्रिकेटर ने इतना शतक मारा, उतना शतक मारा, तो जब आप शतक बोलते हो तो आप ये जानते हो कि सामने वाले को पता होना चाहिए कि एक शतक मतलब कितना। तो ये भी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि 100 ही क्यों, क्योंकि वो जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि एक शतक अर्थात 100। एक अर्धशतक जो रनिंग की है या अर्धशतक क्रिकेट में जो वर्ड्स यूज करते हैं, तो अर्धशतक यानी कि 50, राइट। हम जैसे एक ग्रॉस, मैंने आपको बताया एक ग्रॉस कॉपियां यानी कि 144, तो बिल्कुल वैसे ही
एक मोल का अर्थ है 6.022 × 10²³, यानी एक मोल पानी अर्थात 18 ग्राम पानी लिया तो अगर 18 अणु द्रव्यमान हमने निकाला, एक मोल यानी कितने अणु होंगे, अभी आप जानते हो 6.022 × 10²³, और वो ग्राम में कितना होगा आप जानते हो, 18 ग्राम पानी अणु द्रव्यमान निकाला था ना अभी, तो एक मोल पानी अर्थात 18 × 10²³ अणु हमको लेंगे, और ये फिक्स है। देखते हैं अब जैसे कुछ और चीजों के हम क्या करते हैं, अणु द्रव्य क्या बोलते हैं, मोलों की संख्या निकालते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, मोल की संख्या पढ़ रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको सूत्र बताया, जैसे कि सूत्र बताया है तो मैंने आपको क्या बताया, सूत्र में क्या था सूत्र, पदार्थ के मोलों की संख्या इज इक्वल टू पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान डिवाइड बाय पदार्थ का अणु द्रव्यमान, यही मोल संकल्पना है, बराबर है। तो जैसे एक क्वेश्चन है कि 66 ग्राम का अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की स्लाइड दे रहा हूँ जिसमें मैंने आपको मोल की संकल्पना बताई है, और उसमें आपको जो है मैंने मोल का सूत्र बताया है कि अगर मुझे कुछ चीजें पता हैं, जैसे पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान पता है, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो मैं मोल की संख्या कैसे निकालू। दिख रहा है आपको यहाँ पे, पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान मुझे पता है तो मैं मोल की संख्या कैसे निकालू। आप इस चीज कैसे निकालूंगी, दैट इज इक्वल टू एन, दैट इज इक्वल टू पदार्थ का ग्राम में पदार्थ का अणु द्रव्यमान। तो ये दो चीज तो मुझे चाहिए, अगर ये मुझे मिल रहा है तो मैं पदार्थ का मोलों की संख्या निकाल सकती हूँ, राइट। तो हम देखते हैं, वापस से अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। यस, अब यहाँ पे देखो दो चीज मुझे पता है, यहाँ पे जो हमने सूत्र निकाला था उसमें वो क्या पूछ रहा है, कितने अणु होंगे, कितने यानी पदार्थ की मोलों में संख्या, कितने मोल, बराबर है, कितने मोल भी हैं हमको वो भी निकालना है कि कितने मोल हैं, सबसे पहले वो निकालना है, और जितना भी मोल होगा उसके अंदर कितने अणु होंगे हमको वो भी निकालना है, दो चीजें निकालनी है, राइट। और हमको पता क्या है, सिर्फ हमको पता है 66 ग्राम, और क्या पता है कि किस चीज का निकालना है। देखो हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, 66 ग्राम और CO2 इतना ही मालूम है हमको, राइट। तो अब यहाँ पे देखो ये CO2 है, C यानी कि कार्बन, O यानी कि ऑक्सीजन। अब ये CO2 का जो अणु है इसके अंदर जो C जो है परमाणु ये सिंगल है, और O जो है ये जो अणु है वो डबल है, दैट इज O का डबल। अब वापस से अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस C का परमाणु द्रव्यमान, अब मुझे इसका सबसे पहले जो है अगर सूत्र के हिसाब से मैं जाऊं तो CO2 के मोलों की संख्या मुझे पता करनी है, दैट इज N जो है मुझे नहीं मालूम है, इज इक्वल टू, तो सूत्र में मुझे क्या क्या मालूम है, CO2 का ग्राम में द्रव्यमान, तो ये तो मुझे पता है 66 क्योंकि ये दिया हुआ है। इतना क्लियर हुआ आपको सूत्र के हिसाब से। देखो सूत्र के हिसाब से क्या था, यहाँ पे क्या लिखा है, पदार्थ के मोलों की संख्या, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया CO2 मोलों की संख्या दैट इज N, ये मुझे पता करना है, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे है CO2 का ग्राम में द्रव्यमान, ये मुझे पता है क्योंकि यहाँ पे दिया है 66, ये लिख दिया मैंने, फिर डिवाइड बाय CO2 का अणु द्रव्यमान, अब ये मुझे निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए मुझे सबसे पहले देखना होगा कि इस अणु में कार्बन है और एक O यानी कि ऑक्सीजन, अब इस C और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। अब तो जाए अपने कहाँ पे जाएंगे, मैजिक टेबल, राइट, इसको मैजिक टेबल भी बोल सकते हो आप, क्योंकि अब ये है C यानी कि कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक है 6, तो ये कार्बन का परमाणु द्रव्यमान ध्यान दो कितना है, 12, 12, और यही साइड में आपको ऑक्सीजन भी मिल जाएगा जिसका है 16,
अब आपको याद होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात चल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है सिंगल एटम यानी कि 12 और ऑक्सीजन है 16, तो 16 × 2 = 32, राइट, और 32 को ऐड करना है 12 से, तो कितने हो गए टोटल बच्चों हमारे, हो गए 44। तो अणु द्रव्यमान जो हमने निकाला है वो कितना आ गया हमारा, CO2 का अणु द्रव्यमान कैसे आ गया, ये हमने खुद निकाला है, राइट, 44। तो ये दो चीजें हमने निकाली, नाउ 66 / 44, तो हमको मोलों की संख्या यहाँ पे मिल गई, यानी कि CO2 में कितने मोल हैं, ये एक्चुअली अगर 66 ग्राम CO2 है तो कितने मोल हो गए वो 1.5 मोल, यानी कि 1.5 मोल में 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्साइड होते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, कितना मोल हुआ, 1.5 मोल। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने अणु होंगे, ये तो 1.5 मोल है, हम जानते हैं, हमने अभी पढ़ा है, साइंटिस्ट ने ये बताया है कि 1 मोल कितना होता है, मैंने आपको बताया 1 मोल जो होता है, 1 मोल CO2 में कितने अणु होते हैं, दैट इज 6.02 × 23 अणु होते हैं। इतना तो क्लियर है, ये अभी हमने पढ़ा, ये मोल की स्टैंडर्ड इकाई है, राइट, तो 1 में 6.022 × 10⁻³, 1.5 में कितना, आप जानते हो बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, राइट, 1 मोल में 6.022 × 10⁻², तो 1.5 में कितना, तो ये 1.5 सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.022 × 10⁻², तो 10⁻², तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप उसको साइड में लिख दोगे 10⁻³, आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1.5 को मल्टीप्लाई करना है 6.022 से मल्टीप्लाई करना है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरा आंसर आता है 9.033 × 10⁻²³ अणु, ये वाला हुआ सबको, फिर से एक बार हम देखते हैं, अगर मुझे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अगर मुझे 66 ग्राम CO2 में कितने अणु है निकालना है, सबसे पहले तो CO2 का मैं अणु द्रव्यमान निकाल लूंगी, कैसे निकालूंगी, C और O जो भी है घटक, जो भी परमाणु घटक है उनके द्रव्यमान को हमें क्या करना है, योगफल करना है और हमको उसका अणु द्रव्यमान मिल जाएगा। फिर हम क्या करना है, हमें सूत्र निकालना है, किसका सूत्र निकालना है, मोल का, तो मोल का क्या सूत्र है, CO2 के मोलों की संख्या इज इक्वल टू CO2 का ग्राम्य द्रव्यमान और CO2 का अणु द्रव्यमान, दैट्स इक्वल टू 66 / 44, तो मुझे यहां से मिला मोलों की संख्या, उसके बाद ये 1.5 मोल मिला। अब मुझे पता है, आई नो इट वेरी क्लियरली एंड इट इज फिक्स्ड कि 1 मोल CO2 में इतने 6.022 × 10⁻²³ अणु होते हैं, तो 1.5 में कितने होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1.5 × 6.022 दैट इक्वल टू 9.033 × 10⁻²³ अणु हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा, अब जैसे डाल्टन, जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि अणु द्रव्यमान है या परमाणु द्रव्यमान है, ये ग्राम पर मोल में भी जो है इसकी इकाई है, लेकिन वर्तमान काल में परमाणु के द्रव्यमान का प्रत्यक्ष रूप से मापन करने की जो है और अचूक जो पद्धतियां हैं विकसित हुई हैं, और इसके कारण जो परमाणु द्रव्यमान के लिए सापेक्ष द्रव्यमान के स्थान पे एकत्रित द्रव्यमान, दैट इज यूनिफाइड मास, जिसे डाल्टन, जैसे मैंने आपको बताया डाल्टन कहा जाता है और इसे यू में दिखाया जाता है, एक डाल्टन जो है उसकी मान कितना है, आप इसको अंडरलाइन कर लेना, 1.66053 904 × 10⁻²⁷, ये जो है डाल्टन का मान है। अब जो है ये एक फन एक्टिविटी है बच्चों आपके लिए, जो भी मैं जैसे आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और जो भी आंसर देना चाहते हैं तो वो रेज हैंड करेंगे, राइट। अब इसमें अगर आप देखो तो यहाँ कुछ तत्व दिए हैं, मैंने आपको बताया और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एक से लेके कम 20 तत्व,
के जो है परमाणु क्रमांक, उनका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण और उनकी संयोजकता आपको आनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ये हाइड्रोजन, हमारा जो मैजिक टेबल है या मैजिक पीरियोडिक टेबल है, उसका सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है, राइट। तो उसका जो परमाणु क्रमांक है वो 1, आपने देखा। उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, परमाणु क्रमांक 1 है यानी उसकी एक ही कक्षा होगी, बराबर। अब जब उसकी एक ही कक्षा है तो उसका परमाणु क्रमांक 1 है तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन या तो वो देगा लेगा, तो इस तरह से वो जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो उसकी संयोजकता यानी कि बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी संयोजकता हो जाएगी, राइट। अब जैसे राइट, अब जो है नेक्स्ट है हीलियम, राइट। इसका परमाणु क्रमांक है 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या हो जाएगा, वो भी 2 हो जाएगा। और आप जानते हो कि परमाणु की संरचना कुछ इस तरह से है कि इसमें के एल एम एन बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, राइट। तो पहली कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दैट्स कॉल्ड ड्यूप्लेट। अगर वो 2 है तो वो निष्क्रिय तत्व हो जाएगा, ना वो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा, क्योंकि ना उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ना उसको इलेक्ट्रॉन्स देना है ना लेना है, तो वो निष्क्रिय तत्व हो जाएगा। उसी तरह से इसलिए हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, तो ये जो है क्या है, ये निष्क्रिय है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 0। नाउ गेट सेट रेडी किड्स, आपको बताना है, ये है लिथियम, राइट। ये लिथियम है और इसका जो है परमाणु क्रमांक यहाँ लिखा ही नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2.1। आप मुझे बताओगे इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, बच्चों आप मुझे बताते जाओ, मैं लिखते जाती हूँ, ठीक है। यस, कौन बता रहा है मुझे लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा बच्चों? 5 पार्टिसिपेंट्स ने रेज हैंड किया सर। 3 होगा। हाँ, वेरी गुड। कौन कौन है ये, कौन सा बच्चा है, नाम बताओ। सुमित झा। सुमित, वेरी गुड सुमित। अच्छा, फिर इसकी जो संयोजकता है वो भी बता दो। देखो परमाणु क्रमांक 3, वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट, अब कोई और बच्चा बताएगा, बेरियम का परमाणु क्रमांक 4, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कैसे लिखूं, जल्दी बताओ, मुझे तो नहीं आ रहा है, आप में से कोई बताओ। बेरिलियम, ध्यान दो परमाणु क्रमांक है 4 और पहली कक्षा में सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, तो बताओ मुझे कैसे होगा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, कैसे लिखूं, पहली कक्षा में 2 ही बैठ सकते हैं, राइट। हम टीचर 2 और 2 क्या करते हैं हमारे स्कूल में, 2 और 2, वेरी गुड। कौन सा बच्चा है ये, नाम आकाश यादव। आकाश यादव, आकाश यादव, वेरी गुड आकाश। तो ये 2 हो जाएगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, किसी को दे देगा। नेक्स्ट, कोई और बच्चा मुझे बताएगा बोरॉन के बारे में, जैसे इसका परमाणु क्रमांक है 5 और इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण भी दिया है 2.3, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, कोई और बच्चा बताएगा बोरॉन का संयोजकता कितनी होगी, 3। ध्यान दो यहाँ पे 3, कौन सा बच्चा है ये, क्या नाम है, पवन विश्वकर्मा। पवन, वेरी गुड पवन। नेक्स्ट है कार्बन, कार्बन के बारे में कोई और नया बच्चा बताओ मुझे, जैसे कार्बन है, कार्बन अभी हम लोग ने पढ़ा ना, कार्बन के बारे में बहुत बार पीरियडिक टेबल में भी देखा, इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण यहाँ पे टेबल में लिखा है 2.4, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, कोई नया बच्चा आंसर करेगा, बताओ परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा इसका, बहुत ही इजी है, इजी आंसर आपके सामने है, बताओ बच्चों, कोई भी नया बच्चा, 2.4, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखा है, यानी कि इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी जितने भी बच गए सब कहाँ गए, कक्षा में चले जाए, तो टोटल नहीं, रॉन्ग, संयोजकता 4 आएगा और परमाणु क्रमांक 6। वेरी गुड, कौन सी, बच्चे नाम बताओ अपना, खुशी राजभर।
खुशी, ये मैंने सिक्स लिखा है, इसको समझ लो तुम लोग, थोड़ा सिक्स लग रहा है कि नहीं? Yes. ड्रॉइंग बहुत अच्छी है. ओके, नेक्स्ट है अपना सेवन, नाइट्रोजन. तो ये कोई नया बच्चा बताएगा मुझे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कैसे लिखूं मैं? इलेक्ट्रॉनिक संरूपण दो और पांच. दो और पांच, वेरी गुड. ओके, अच्छा फिर मुझे ये बताओ कि ये दो पांच है, कौन सा बताइए? दो और पांच, नाम बताओ. हेलो, नाम बताओ. मुझे ये बताओ तुम कि जैसे दो और पांच लिखा है तो इसकी संयोजकता तीन कैसे हो गई? इसकी संयोजकता तीन कैसे आई बताओ? टीचर, दो अंदर कक्षा में रहेंगे और तीन बाहर कक्षा में. नहीं, दो तो अंदर कक्षा में हो गए तो बाहरी कक्षा में पांच हो गए ना, बराबर. तो उसकी उसकी संयोजकता तीन कैसे हो गई बताओ? मैं बताऊं कि आप बताओगे? बताइए. हाँ मैं बताती हूँ, चलो. अभी देखो, ये बाह्यतम कक्षा में पांच हो गया, ठीक है. तो पहली कक्षा में दो और दूसरी कक्षा में कंप्लीट. टीचर, इसको घटाएंगे ना तो आ जाएगा तीन. अच्छा नहीं, सुनो, आठ चाहिए रहते हैं ना बाह्यतम कक्षा में, कितने चाहिए रहते हैं? सुनो, पांच है तो, और कितने बाकी है आठ करने के लिए? तीन बाकी है, है ना? तीन. संयोजकता कैसे हो गई? तीन. अगर इस नाइट्रोजन को तीन और मिल जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा? 2.8 हो जाएगा. जब 2.8 हो जाएगा तो ये पूरा, है ना, इलेक्ट्रॉनों से पूरा भर जाएगा, फिर ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा. चलो, अभी कोई नया बच्चा मुझे बताएगा. हाँ, वेरी गुड. कौन सा बच्चा ये, क्या नाम है बेटा, बोलो? आठ, वेरी गुड. रिंकी. रिंकी, वेरी गुड रिंकी. तो संयोजकता भी बता दो इसकी कितनी आ जाएगी. अभी देखो, ये आठ था तो पहली कक्षा में दो, फिर दूसरी कक्षा में छह. अब यहाँ संयोजकता कितनी हो जाएगी इसकी? हाँ, जल्दी जल्दी जोड़ घटाना चालू है. जोड़ घटाना चालू. चार. कैसे चार? कैसे नहीं टीच? हाँ सोचो सोचो. रुक्यू, कहीं नहीं जा रही हो. रुक्यू बोलो. देखो ये, देखो ये छह हो गया टीचर. टीचर हाँ हाँ, दो आठ को अगर प्लस करेंगे तो वो टेन होता है, और टेन में सेम सेवन निकल जाएगा तो थ्री बचेगा. अरे बाप रे, इतना भारी आइंस्टाइन वाला कैलकुलेशन बताया. देखो ये छह है, छह बाह्यतम कक्षा में छह, बराबर, इतना समझ रहा है. अब इस छह को मुझे क्या करना है? आठ होना चाहिए. आठ में से छह निकालो तो संयोजकता कितनी होनी चाहिए? दो. दो ना? हाँ yes. क्योंकि इसको अगर दो मिल जाएगा तो ये आठ कंप्लीट हो जाएगा. हमारा जो मेन मोटो है ना, वो आठ कंप्लीट होना चाहिए, इतना है. अगर तुम लोग ये संयोजकता वाले टेबल को ध्यान से देखो ना, अगर तो देखो, जीरो था, फिर एक हुआ, फिर दो हुआ, फिर तीन हुआ, फिर चार हुआ, फिर से डिक्रीज हो रहा है, तीन हो रहा है, दो हो रहा है. अरे तो आंसर बता दिया अभी, नीचे वाला तो बहुत आसानी से बता पाओगे तुम लोग, है ना. चलो कोई नहीं, कोई नया बच्चा मुझे बताएगा. ये है फ्लोरीन नाइन. नाइन तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कैसे लिखो बताओ? टीचर, दो और सात. वेरी गुड. कौन सा बच्चा? अच्छा, वेरी गुड. ओके, तो ये हो गया फ्लोरीन, ठीक है. अब इसका बताओ इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता बताओ. देखो, इसके बाह्यतम कक्षा में है सात इलेक्ट्रॉन, तो बहुत इजी है. बताओ क्या होना चाहिए? कोई भी नया बताओ क्या होना चाहिए, इसकी संयोजकता क्या होगी? इसको ध्यान से देखो, बाह्य में सात इलेक्ट्रॉन, और होने कितने चाहिए वो मैंने बताया आपको. अभी देखो, होने कितने चाहिए, ये देखो यहाँ बता रही हूँ मैं, कितने होने चाहिए. तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बताओगे आप कि मैं बताऊँ? हेलो, मैं बताऊँ बच्चों? टीचर, एक होगा. हाँ, एक होगा. कौन है ये?
आंसर है ओमेरा. ओके अच्छा ये सबसे इंटरेस्टिंग है नियोन. आप मुझे बताओ कि इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या लिखूं मैं, मुझे तो नहीं आ रहा है. कौन दो आठ टीचर दो आठ. हाँ दो आठ वेरी गुड. तो फिर संयोजकता कितनी होगी इसकी बताओ. जीरो जीरो जीरो. बहुत ही बढ़िया. उमेरा बोल रही हो? उमेरा बोल रही. हाँ देखा मैंने आवाज पहचान ली उमेरा तुम्हारी. वेरी गुड. तो ये हो गया अपना पीरियोडिक टेबल राइट. अब आता है सोडियम पे. सोडियम का परमाणु क्रमांक बताओ कितना आएगा. सोडियम का परमाणु क्रमांक वैसे तो 20 तक किसी भी हालत में आप लोग याद रखो. टीचर सोडियम का 11 होगा परमाणु क्रमांक. हाँ टीचर वेरी गुड. कौन बोल रहा है? अविनाश साहू. अविनाश वेरी गुड अविनाश. अच्छा फिर अविनाश तुम मुझे बता दो मैग्नीशियम का कैसे डिवाइड करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिवाइड करूं. मैग्नीशियम मैग्नीशियम देखो नीचे वाला है 12 लिखा है परमाणु क्रमांक 12. तो इसको इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कैसे लिखूं अविनाश. मैं हेल्प करूं तुम्हारी टीचर. मैं बताओ मैग्नीशियम का टीचर. हाँ मैग्नीशियम का. हाँ बताओ बताओ. दो आठ दो. दो आठ दो वेरी गुड वेरी गुड. चलो बहुत बढ़िया. आज जाते हैं हम लोग थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे. एक और फन एक्टिविटी है आप लोगों के लिए. जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि अगर परमाणु द्रव्यमान मुझे पता है तो कुछ यौगिकों के अणुसूत्र दिए हैं. कितने भी यौगिकों के अणुसूत्र आप निकाल सकते हो और उससे उनका अणु द्रव्यमान निकाल सकते हो. हम लोग ने स्टार्ट में निकाला था ना. तो एक सेकंड. अभी जैसे NaCl का अणु द्रव्यमान है या NaOH का अणु द्रव्यमान है तो क्या आप मुझे निकाल के आपने नोटबुक और नोटबुक और पेंसिल तो आपके पास होगी. तो कुछ बच्चे मुझे NaCl का बताओ और बाकी के बच्चे NaOH का बताओ. डी कर लो हाफ हाफ. तो NaCl का कौन बता रहा है और मुझे बताना भी कि Na का परमाणु द्रव्यमान कितना है, Cl का कितना है, फिर O का कितना है, H का कितना है. आपके पास पीरियोडिक टेबल है राइट. नहीं है तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप उसमें से भी चेक कर सकते हो. ये लो आपको बताना क्या है. पहला मैंने क्या बताया देखो. पहला मैंने क्वेश्चन पूछा Na ठीक है, ये हो गया Cl. इसका क्या निकालना है हमको, अणु द्रव्यमान बराबर. तो कैसे निकालोगे बताओ मुझे. ये हमने अभी किया भी था. कैसे निकालोगे बताओ. आप बताते जाओ चाहिए तो मैं यहाँ लिखते जाती हूँ. अभी Na कहाँ पर है बताओ. Na परमाणु क्रमांक क्या है बताओ. Na मतलब क्या है वो बताओ. Na मतलब मैं हेल्प करूँ आपकी या आप बताओगे. मैं हेल्प करूँ. हाँ कौन बोल रहा है. 11 है. हाँ Na जो है 11 है, परमाणु क्रमांक 11 है. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ उसका, मुझे निकालना क्या है अणु द्रव्यमान. तो कैसे निकालू बेटा बताओ. Na का 11 लिखेंगे फिर Cl का अणु द्रव्यमान लिखेंगे उनको प्लस कर देंगे. हाँ वेरी गुड वेरी गुड. लेकिन Na का 11 नहीं लिखेंगे. Na अब देखो यहाँ पे Na दिख रहा है तुमको. Na ये जो परमाणु क्रमांक है ना, मुझे लिखना क्या है परमाणु द्रव्यमान. 22.99 लिखेंगे. 22.99 लिखेंगे बराबर. हाँ परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे. ये जो नीचे दिख रहा है ना नीचे, ये लिखेंगे. वैसे ही जो Cl है, Cl कहाँ पे देखो, 17 दिख रहा है, 17 दिख रहा है Cl. ये देखो यहाँ पे, हाँ सबसे राइट में ये देखो, मैं इसको सर्कल कर देती हूँ. दिख रहा है ना, तो 17 जो है Cl है तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 35.45. तो फिर ये क्या लिखेंगे, 35.45 है ना, है ना. इसको आप टोटल कर दो. हमने यहाँ पे किया भी है देखो, मैं बताती हूँ आपको हमने कहाँ किया है. यस ये रहा, ये देखो 22.9 + 35.45 = टोटल कितना हो गया, 58. क्लियर हुआ. आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा राइट. मिस समझ में. हाँ बेटा बोलो. हेलो
बोलो बेटा, कुछ बोल रही थी? कुछ चीजें नहीं समझ में आई। हाँ, क्या क्या नहीं समझा? इसमें बहुत सारी चीजें थी बीच बीच में जो नहीं समझ में आई। अच्छा, क्या? हाँ, क्या नहीं समझा वही तो पूछ रही हूँ। जैसे कि आपने ये बोला ना, परमाणु, द्रव्यमान निकाल कर ये सब पूरा टेबल बताया था, वो मुझे अच्छे से नहीं समझ में आया। परमाणु द्रव्यमान? हाँ। परमाणु द्रव्यमान देखो, ये रहा परमाणु द्रव्यमान जो होता है, वो परमाणु के अंदर का जो नाभिक है उसके अंदर जो प्रोटॉन है, दिख रहा है यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उसको आप जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? परमाणु द्रव्यमान। थोड़ा सा जब आप ये पढ़ते हो, थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट इससे देखोगे ना तो आपको समझेगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, परमाणु द्रव्यमान ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऐड किया बराबर, तो परमाणु द्रव्यमान निकाल लिया। अब अणु द्रव्यमान कैसे निकालना है, ये देखो, अणु द्रव्यमान यानी उसके अंदर जो जो परमाणु है उनको आपको क्या करना है, जोड़ना है। जैसे कि मैंने पानी का निकाला H2O, ठीक है, ये H2O है, H2O में हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो एक है और इसमें एटम कितने हो गए, दो, तो टोटल कितने हो गए हाइड्रोजन का, दो। ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो है 16, तो दोनों को ऐड जब मैंने कर दिया तो 16 2 18, है ना, समझा? ठीक है बच्चों। वो आपने बोला परमाणु द्रव्यमान निकालने के, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या करेंगे, प्लस, तो निकलेगा। हाँ, प्लस, प्लस। तो हाँ, टीचर हाँ। उसके नंबर भी तो हम लोग को पता होने चाहिए। हाँ, तो कुछ नंबर याद करने पड़ेंगे ना बच्चा, ये जो पीरियोडिक टेबल दिख रहा है ना, ये पीरियोडिक टेबल, इसको बहुत अच्छे से रट्टा मारना पड़ता है। जो हाइड्रोजन जो है, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, उसका परमाणु क्रमांक एक है, जैसे कि आपको 20 तक, कम से कम 20 तक आपको, जैसे मैं आपको नींद से भी उठाऊं ना तो आपको रट्टा होना चाहिए कि 1 हाइड्रोजन 2 हीलियम 3 लिथियम 4 बेरिलियम 5 बोरॉन 6 कार्बन 7 नाइट्रोजन 8 ऑक्सीजन 9 फ्लोरीन 10 नियॉन 11 सोडियम 12 मैग्नीशियम 13 एल्युमिनियम 14 सिलिकॉन 15 फास्फोरस 16 सल्फर 17 क्लोरीन 18 आर्गन 19 पोटेशियम 20 कैल्सियम। कितना तक बोला मैंने? 20। बेटा आप अभी ज्वाइन हुई क्या? अभी ज्वाइन हुई? पहले से ज्वाइन नहीं थी क्या? तुम्हारा नाम क्या है? प्रीति। प्रीति यादव। हाँ, तुम जो प्रीति यादव ब्रेकफास्ट कर रही थी ना, वही ना? नहीं टीचर, मैं तो अपना कैमरा कभी ऑन नहीं करती हूँ। अच्छा, और मैं बैठी प्रीति, प्रीति जब स्टार्ट में मैंने बताया ना कि ये परमाणु क्रमांक, जब मैंने बहुत स्टार्ट में ही बताया, जब लेक्चर स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया कि ये जो परमाणु द्रव्यमान, अब तुम पूछ रही हो नंबर किसे कहते हैं, तब मैंने तुमको बताया कि जब परमाणु, ये वाला दिखाया था, परमाणु के बीचों बीच होता है नाभिक और उसके बाहर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ऋण आवेशित कण, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होते हैं धन आवेशित प्रोटॉन्स, और उन्हीं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक। हेलो हेलो। हाँ मैम। हाँ बोलो। मैं भी ज्वाइन हुआ मैम, मेरे को मतलब पता नहीं था ना, तब भी आप थोड़ा रिवाइज करवा सकते हैं मैम। बेटा अब बच्चों यहीं पे लेक्चर फिनिश हो रहा है, जितनी भी चीजें सिखाई गई है आप उसको एक बार और रिवाइज करो, ठीक है? इसको अच्छे से रिवाइज करोगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, ठीक है? चलो बाय एवरीबॉडी।